जय भीम साथियों, 1956 में जब बाबा साहेब ने अपने 6 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था, तो आज 65 साल बाद उसका परिणाम ये देखने को मिला है कि जिन अनुसूचित जाति के हिंदुओं ने जाति उत्पीड़न से छुटकारा पाने के लिए बुद्धिज्म में धर्म परिवर्तन किया है, वो बेहतर साक्षरता दर, अधिक कार्य भागीदारी और लिंग अनुपात का आनंद ले रहे हैं। ऐसा पाया गया है 2011 की जनगणना के आंकड़ों में। आंकड़े देखे जाए तो बुद्धिस्ट लोग हर चीज में हिंदुओं से आगे हैं, और क्योंकि भारत में ज्यादातर बुद्धिस्ट दलित समाज से धर्मांतरित करके बने हैं, तो माना जा सकता है कि जिन दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया वो बेहतर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इन आंकड़ों में हमें ये भी दिखता है कि कैसे महाराष्ट्र, जहां बाबा साहेब और उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया था, वहां सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं जो बाकी वर्गों से ज़्यादा बेहतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारत में बुद्धिस्ट की संख्या 84 लाख है, जिसमें से 87% धर्मांतरित किए हुए हैं, ज़्यादातर अनुसूचित समाज से। बाकी 13% बुद्धिस्ट पूर्वोत्तर और उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों के पारंपरिक समुदायों से आते हैं। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बौद्ध लोगों की साक्षरता दर 81% है, जो राष्ट्रीय औसत 72% से काफ़ी ज़्यादा है। हिंदुओं में भी साक्षरता दर केवल 73% है, जबकि अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर सबसे कम 66% है। अनुसूचित जातियों के मुकाबले बुद्धिस्ट की साक्षरता दर देखें तो 15% ज़्यादा है। काफ़ी बड़ा आंकड़ा है ये, जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। कैसे बौद्ध धर्म से लोगों का विकास होता आया है, वह हिंदू धर्म रूढ़िवादियों की लपेट में जातिवादी नफरत से भरा रहता है। ये भी बताएं आपको कि छत्तीसगढ़ 87%, महाराष्ट्र 83% और झारखंड 80%, यहाँ पर साक्षरता दर बौद्ध लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर आए तो केवल 68% बौद्ध साक्षर हैं, पर यह भी वहां की कुल जनसंख्या औसत 67% से कुछ अधिक ही है, और अनुसूचित जातियों के आंकड़े जो 60% है उससे तो लगभग 8% अंक ज़्यादा है। बेहतर साक्षरता होने की वजह से बुद्धिस्ट देश की अर्थव्यवस्था में भी ज़्यादा योगदान देते हैं। उनका कार्य भागीदारी अनुपात 43% है, अनुसूचित जातियों का 40%, राष्ट्रीय औसत 39% है, जो उससे काफ़ी अधिक है। बौद्ध लोगों के बीच महिला साक्षरता 74% है, जो कि कुल जनसंख्या की औसत 64% की तुलना में तो बहुत ज़्यादा है, 10 परसेंट पॉइंट ज़्यादा है। बौद्ध समुदाय में लिंग अनुपात 965 महिला प्रति 1000 पुरुष है, अनुसूचित जाति में ये आंकड़ा 945 है, राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो केवल 943 है, तो बहुत ही कम है। बौद्ध लोग बच्चे भी कम पैदा करते हैं, उनकी जनसंख्या में से 11% 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चे हैं, इसका राष्ट्रीय औसत 13% है। यानी इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक 100 की जनसंख्या पर बौद्ध लोगों के औसत से 2 बच्चे कम हैं। ऐसा इसलिए ज़रूर हो सकता है क्योंकि 43% बौद्ध शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जो कि कुल जनसंख्या औसत 31% की तुलना में कहीं ज़्यादा है। उससे याद आता है जैसे बाबा साहेब ने कहा था कि हमें शहरों की तरफ जाना चाहिए, अर्बनाइजेशन की तरफ, वहाँ जाति को तोड़ने का, कम होने का एटलीस्ट गांव से उपाय तो ये है, गांव तो जाति का अड्डा है। तो शहरों में क्योंकि बुद्धिस्ट ज़्यादा है तो वहाँ पर उनका विकास भी ज़्यादा हुआ है। अब महाराष्ट्र का उदाहरण ले तो एक अनोखी ही केस स्टडी है ये अपने आप में। महाराष्ट्र में 65 लाख बुद्धिस्ट लोग हैं, संपूर्ण बुद्धिस्ट में से 80% महाराष्ट्र में ही हैं। महाराष्ट्र की जनसंख्या में 5.81% है। महाराष्ट्र का साक्षरता दर और शहरीकरण स्तर वैसे भी आम तौर पर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा रहता है, और महाराष्ट्र के अंदर बुद्धिस्ट में इन सब से थोड़ी बेहतर है। ये सब कैटेगरीज में बुद्धिस्ट ज़्यादा है, बेटर है बाकी वर्गों से, बाकी समुदायों से। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि बाबा साहेब ने पढ़ाई पर काफ़ी जोर दिया, पूरे समाज को यही मैसेज दिया।
एक और कारण ये भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो हिंदू ग्रामीण समाज में महार समुदाय के पास कृषि भूमि कम रही और कोई निश्चित पारंपरिक व्यवसाय भी नहीं रहा, इसलिए शिक्षा और आधुनिक व्यवसायों की ओर वे लोग बढ़ते गए। हम बाबा साहेब की जिंदगी भी देखें तो उनके पिताजी भी ब्रिटिश आर्मी में कार्यरत थे, फिर बाकी की कहानी तो आप सब जानते ही हैं कि कैसे वो विदेश पढ़ने गए, बैरिस्टर बने, भारत में आकर आंदोलन किया, राजनीति में भी सक्रिय हुए। तो बाबा साहेब ने ये जो कारवा शुरू किया था, अब आधुनिक काल में दिख रहा है कि बौद्ध धर्म अपनाने के अनेकों फायदे हैं, जिंदगी सुधारने के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए और एडुकेशन पाने के लिए, अर्बन एरियाज में जीतने के लिए। ये बहुत बौद्ध धर्म की अहमियत काफ़ी अच्छे से ये आंकड़े दर्शाते हैं, हमने आपको एक एक आंकड़ा यहाँ डिटेल में बता दिया है। आज भी भारत में बहुत जगह अनुसूचित समाज से लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, चाहे भारी मात्रा में नहीं है अभी, थोड़े थोड़े मात्रा में कहीं ना कहीं अपनाते रहते हैं, खबरें भी आती रहती हैं, पर हर कुछ समय बाद ऐसे कैंपेन भी चलते रहते हैं। इस पर हम सबको गहरा चिंतन ज़रूर करना चाहिए। आंकड़े कोई छोटे आंकड़े नहीं हैं, बहुत बड़े आंकड़े हैं कि बौद्ध धर्म के लोग टॉप पर है देश में बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के। तो आप इस बेमिसाल आंकड़ों को, शानदार वीडियो को आप प्लीज़ सबके साथ शेयर ज़रूर करें, ये मैसेज, ये आंकड़े सबके साथ लाखों लोगों तक ज़रूर लेके जाइए। साथ में हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए, जैसे ही हम ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ करते रहें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। जय भीम।